यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है कि डिफाइन बॉन्ड हैवर्ट साइकिल, हमसे सवाल किया जा रहा है कि बॉन्ड हैवर्ट साइकिल को एक्सप्लेन करना है। तो आइए जरा समझते हैं बॉन्ड हैवर्ट साइकिल क्या है। बॉन्ड हैवर्ट साइकिल बच्चों ये एक ऐसा साइकिल है जो कि हमें बताता है कि कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। किसी भी आयनिक क्रिस्टल को बनाने में कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी वो हमें बॉन्ड हैवर्ट साइकिल से पता लगता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ हैसिस लॉ। ये हैसिस लॉ की एप्लीकेशन है विच इज यूज टू डिटरमिन डिटरमिन द हीट एनर्जी रिलीज्ड, डिटरमिन द हीट एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। इन द हीट एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, सही ना, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन में कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी वो हमें पता लग जाता है बॉन्ड हैवर्ट साइकिल से। जो क्रिस्टल लैटिस की अंदर हीट एनर्जी रिलीज होगी हम उसको बोलते हैं डेल्टा एच, और लैटिस एनर्जी के लिए एल ई का वर्ड यूज करते हैं। एल ई हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, ये हमने नॉर्मली ये फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे बोलना है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ बॉन्ड हैवर्ट साइकिल। मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको उसके अंदर सारी स्टेप समझ में आ जाएंगे। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl क्रिस्टल अलॉन्ग विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बोलना है कि जब NaCl क्रिस्टल बनता है, NaCl क्रिस्टल के अंदर वेरियस स्टेप्स होते हैं, हमें वो स्टेप सारे बताएं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl क्रिस्टल, NaCl क्रिस्टल की फॉर्मेशन में कंप्लीट इक्वेशन तो यही है ना कि 2Na सॉलिड फॉर्म में है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में होगा, क्लोरीन जो होगी वो गैसियस फॉर्म में होगी, और आगे जाके ये 2NaCl बना लेंगे जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, ये तो ओवरऑल इक्वेशन है, लेकिन ये वेरियस स्टेप्स के अंदर अगर आप बांटेंगे तो स्टेप वन क्या होता है, स्टेप नंबर वन होता है बच्चों, स्टेप नंबर होता है वन होता है फॉर्मेशन ऑफ कैट आइन, बल्कि स्टेप वन होता है सब्लीमेशन का। इसके अंदर क्या होता है, सब्लीमेशन होती है, सब्लीमेशन ऑफ सोडियम होगा, ये तो अगर सोडियम है तो सोडियम की सब्लीमेशन होगी, कोई और मेटल होता तो उसकी सब्लीमेशन होती। जैसे कि सोडियम पहले होता है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म से अगर हम इसको हीट करते हैं तो सोडियम के वेपर्स बनना शुरू होते हैं, ये सोडियम गैसेस फॉर्म में चला जाता है, ये सब्लीमेशन का प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे सोडियम के फ्यूम्स बनना शुरू होंगे, इसकी सब्लीमेशन की हीट दी हुई कितनी है, 108 किलो जूल पर मोल, 108 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे लिख दिया 108 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगला जो स्टेप है, अगले स्टेप के अंदर आयनाइजेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि सोडियम गैसियस फॉर्म के अंदर से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ पे ये आयनाइजेशन होगी, आयनाइजेशन का प्रोसेस होगा, या आप इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैट आइन होगी, कैट आइन की फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कैट आइन, कैट आइन की फॉर्मेशन अगला स्टेप है। तो होगा क्या, यहाँ पर बच्चों सोडियम है, सोडियम है गैसियस स्टेट के अंदर, और अभी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये कन्वर्ट होगा सोडियम के कैटाइन में, साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब जब ये आयनाइजेशन एनर्जीज की हम देखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी भी निकाल देता हूँ, सबके नीचे लिख देता हूँ कि ये ऊपर वाली जो एनर्जी थी ये सब्लिमेशन वाली एनर्जी थी, नीचे वाली जो एनर्जी है ये आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी आई जरा उसको भी चेक कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी गिवन, हमें आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, गिवन है 495 किलो जूल पर मोल, ये लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, 495 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे लिखा 495 किलो जूल पर मोल। आगे बढ़ते हैं, स्टेप थ्री की तरफ चलते हैं। अब स्टेप थ्री के अंदर क्लोरीन गैस डिसोसिएट होगी, स्टेप थ्री के अंदर बच्चों क्लोरीन गैस डिसोसिएट होगी, तो मैं लिख देता हूँ डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन गैस, डिसोसिएशन ऑफ Cl2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस जो होती है ना, वैसे Cl2 ही कर लो, Cl2 कर लें, Cl2 गैस, तो यहाँ पे हाफ Cl2 लेते हैं, हाफ Cl2 आगे जाकर टूटेगा किस चीज के अंदर, एक Cl के एटम के अंदर टूटेगा। यहाँ पे इसकी डेल्टा एच डिसोसिएशन गिवन है, डिसोसिएशन डेल्टा एच डिसोसिएशन कितनी गिवन है, आइए दिखा देता हूँ, डेल्टा एच डिसोसिएशन वाली गिवन है कितनी है, 121 किलो जूल पर मोल, लिख देता हूँ डेल्टा एच डिसोसिएशन है कितनी भैया, 121 किलो जूल पर मोल। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे बच्चों ये जो क्लोरीन है ना ये गैसियस फॉर्म के अंदर है, अभी इलेक्ट्रॉन को जो कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया था ये उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। स्टेप नंबर फोर,
यहाँ पे क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और कन्वर्ट जाएगा सीएल माइनस आइन के अंदर, तो डेल्टा एच। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन होगी आपको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी होती है जब इलेक्ट्रॉन को आप गेन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ पर एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को उन्होंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बना दिया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -348 किलो जूल पर मोल। तो लिख देता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है हमारे पास माइनस का 348 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अब क्लोरीन आयन, ये स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 जो है ना, ये है क्लोरीन का आयन और सोडियम का कैट आयन, सोडियम का कैट आयन क्लोरीन का एन आयन, ये आपस में रिएक्ट करेंगे बनाएंगे NaCl। तो जब NaCl बनाएंगे तो इसकी जो लैटिस एनर्जी है, सोडियम का क्रिस्टल बनेगा तो इस टाइम पे जो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी मुझे वो एनर्जी फाइंड आउट करनी है। गेटिंग माई पॉइंट? अब ये एनर्जी मुझे फाइंड आउट करनी है, हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवेन है। अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हैसिस लॉ, या आप बॉर्न हैबर साइकिल कर लें, अकॉर्डिंग टू हैसिस लॉ या बॉर्न हैबर साइकिल, अकॉर्डिंग टू हैसिस लॉ या बॉर्न हैबर साइकिल, हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर है किस चीज़ के? ये बराबर है डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, प्लस डेल्टा एच ऑफ, इसके बाद अगला था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन कितनी गिवन है। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन गिवन है आपको, हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है माइनस का 411, माइनस का 411 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, माइनस का 411 ये हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। सब्लिमेशन की हीट एनर्जी कितनी गिवन है वो भी देख लें, सब्लिमेशन की बच्चों गिवन है 108 और कैटाइन की गिवन है 495 फिर 121, 108 495 121 सब लिखता, क्या था 108 प्लस 495 प्लस 121, एक मरतबा कंफर्म कर लेते हैं, मैं खुद भूल गया तो दिखा देता हूँ एक सेकंड आपको, एक सेकंड, ये भैया आ जाए यहाँ पे 108, 108 495 121, उसके बाद अगली है माइनस का 348, सही है ना, लिख देते हैं यहाँ पे माइनस का 348 और प्लस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी, ये हमें फाइंड आउट करनी है, सही है ना। अब ये कैसे निकालेंगे कैलकुलेटर के अंदर? भैया यहाँ पे माइनस का 411 लिखेंगे, प्लस 108 इधर आगे माइनस का 108, प्लस 495 इधर आगे माइनस का 495, प्लस 121 इधर आगे माइनस का 121, माइनस 348 इधर आगे प्लस का 348, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एच लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर खोलेंगे बच्चों, कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, कैलकुलेटर के अंदर क्या है भाई साहब, 348 में से माइनस कर दें 121 को, माइनस कर दें 495 को, माइनस कर दें 108 को, माइनस कर दें 411 को, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है डेल्टा एच लैटिस एनर्जी कितनी? डेल्टा एच लैटिस एनर्जी हमारे पास आ रही है माइनस का 787 किलो जूल पर मोल, सही है ना, माइनस का 787 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास लैटिस एनर्जी आ गई। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी इन्होंने यही आंसर निकाला हुआ है, ये निकाला, ये इन्होंने लैटिस एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हमारा आंसर है -787 किलो जूल पर मोल, ये हमारा आंसर निकाला हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने कहा है कि बॉर्न हैबर साइकिल को हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो भी जरा समझ लेते हैं बच्चों। देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना बहुत आसान है, कैसे? सबसे पहले सोडियम है, सोडियम ये क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्ट किया, आगे जाके बना रहा है 2NaCl, तो ये तो हो गया एक पूरी इक्वेशन हो गई, लेकिन एक्चुअल बात ये कि सोडियम ये डायरेक्टली इसके अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, पहले सोडियम सॉलिड में सोडियम सॉलिड होता है, फिर सॉलिड से ये गैस में कन्वर्ट होता है। अब जब गैस में कन्वर्ट होता है तो ये गैस फिर ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम कैटाइन बनाता है, एन ए प्लस आइन बनाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन Cl2 से ये कन्वर्ट होता है Cl के अंदर, सीएल के अंदर कन्वर्ट होता है ये, फिर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सही ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन करता है नीचे से, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कन्वर्ट होता है बच्चों ये सीएल माइनस आइन के अंदर। अब ये मैं इधर इसको एक काम करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हटा देता हूँ, यहाँ पे ये सोडियम का सीएल आइन बन गया और सोडियम का कैटाइन बन गया, क्लोरीन का एनायन बन गया। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, सोडियम जो है ये किससे रिएक्ट करता है, ये क्लोरीन के आयन से रिएक्ट करता है, और इस तरह से ये दोनों
बल्कि हम एक काम करते हैं, इनको एक पॉइंट पर लेकर आते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, दोनों रिएक्ट करने का दिए किस चीज में कन्वर्ट होते हैं, दोनों रिएक्ट करने का दिए NaCl के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये इसकी पूरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, होप यू गेट द आंसर। यहाँ पर हमसे सवाल किया जा रहा है क्या बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी चेंजेस 298 केल्विन के ऊपर जब KH फॉर्म हो रहा है अपने एलिमेंट से। अब पोटेशियम हाइड्राइड कैसे फॉर्म होगा इस तरह समझ लेते हैं, पोटेशियम को हम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाएंगे, 1/2 हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाएंगे तो आगे जाके पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा। ये इक्वेशन आपको अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर 5 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा बेसिकली वो सब्लिमेशन का होगा, फर्स्ट स्टेप सब्लिमेशन ऑफ पोटेशियम, सब्लिमेशन ऑफ पोटेशियम, ठीक है ना। सब्लिमेशन ऑफ पोटेशियम के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले पोटेशियम जो होता है वो सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट होगा पोटेशियम गैसियस स्टेट में, तो उस टाइम पे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो डेल्टा एच उसकी गिवन है, सब्लिमेशन पोटेशियम की गिवन है, ये आयोनाइजेशन नहीं है सब्लिमेशन है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास 90 किलो जूल पर मोल, तो यहाँ पे आएगा 90 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ये डेल्टा एच सब्लिमेशन की हो गई, सेकंड स्टेप पे आता है। सेकंड स्टेप हमारे पास ये जो पोटेशियम है ये आयोनाइज होगा, तो आयोनाइजेशन ऑफ पोटेशियम हमारे पास सेकंड स्टेप होगा। तो सेकंड स्टेप के अंदर आयोनाइजेशन में 418 किलो जूल पर मोल एनर्जी गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पोटेशियम गैसियस फॉर्म से आयोनाइज होगा और पोटेशियम कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, पोटेशियम के कैटाइन में साथ में इलेक्ट्रॉन लूज होगा। यहाँ पर डेल्टा एच की एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 418 किलो जूल पर मोल, सही ना। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस की डिसोसिएशन का स्टेप, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑफ H2 गैस, ठीक है। तो हम कैसे डिसोसिएट करेंगे उसको जरा देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस डिसोसिएट होगी तो कन्वर्ट होगी, ये हमारे पास 1/2 हाइड्रोजन गैस है, आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज के अंदर, ये एच के अंदर कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इसकी जो आपकी वैल्यू है हाइड्रोजन की डिसोसिएशन 436, इसको आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेल्टा एच, ऊपर वाली तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी की थी, यहाँ पे लिख लेता हूँ डेल्टा एच डिसोसिएशन की, 436 है, 436 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 436/2, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 218 किलो जूल पर मोल। अब आते हैं जरा फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। तो जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप होगा हमारे पास हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो मैं इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन वाली बात है, फॉर्मेशन ऑफ एनायन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको इसकी गिवन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा एच माइनस आयन में, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो चेक कर लेते हैं। ये रिलीज करेगा -78 और दूसरी की एनर्जी गिवन है -710, तो दोनों याद रखेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको गिवन है माइनस का 78 किलो जूल पर मोल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप के फिफ्थ स्टेप के अंदर हमारे पास क्रिस्टल लैटिस बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। अब क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन कैसे होगी, आइए जरा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो पोटेशियम का कैट आयन है वो हाइड्रोजन के एनायन से रिएक्ट करेगा और आगे जाके बनाएगा पोटेशियम हाइड्राइड। यहाँ पर जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो होगी माइनस का 710 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, ये है लैटिस एनर्जी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा, सारी वैल्यूज दिखा देता हूँ, -710, -78, प्लस का 436 और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 418 और 90, इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है, सही है ना। तो हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी 90418, लिख लेता हूँ सारी वैल्यूज, फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेल्टा एच निकालने के लिए सारी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, इन हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ कौन सी हीट थी इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी की, प्लस डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन, प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, प्लस डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी। तो इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, सबसे पहले आएगा 90 के बाद बाकी दोनों वैल्यूज क्या थी, 90 के बाद थी 418, फिर है 218, तो 418 218 लिख लेता हूँ, 418 418, फिर उसके बाद है 218
और उसके बाद है माइनस का 78 और उसके बाद है माइनस का 710, ठीक है ना। टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन निकल आएगी, कैलकुलेटर करते हैं, 90 प्लस 418 प्लस 218, 1 सेकेंड, 218, और इसके बाद माइनस का 78 और माइनस का 710, तो हमारे पास टोटल आंसर आएगा माइनस का 62। यहाँ पर आएगा माइनस का 62 किलो जूल पर मोल, ये हमारा आंसर है। होप यू गेट द आंसर।